हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो आज हम बात करेंगे अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। खासकर जो डीबीसी जेई का एग्ज़ाम है, उसमें करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पे भी पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछा जाएगा। और इससे पहले जितने भी 3 महीने के करंट अफेयर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे 2024 के, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट है, आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और फास्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका अल्लू अर्जुन। जो अल्लू अर्जुन है वो एक्टर साउथ इंडिया के, वो उनका जो स्टेचू बनाया गया है कहाँ पे, मैडम टसाड्स इन दुबई, एक म्यूजियम है दुबई में, वहाँ पे इनका क्या बनाया गया है, स्टैचू। ठीक है, ये वही है पुष्पा राज वाले अल्लू अर्जुन। एनटीपीसी ने परमानेंटली क्लोज कर दिया है किसको, जो 220 मेगावाट का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज वन था, और ये कहाँ पे लोकेटेड था, बेगूसराय में। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म हैज बिन लॉन्च्ड, इरा, IRH इरा, ये इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म बन गया है। और जो आयरिस है वो फर्स्ट AI टीचर बनी है, कहाँ पे, केरला में लॉन्च किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर विल मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट दिस ईयर्स समर ओलंपिक पेरिस। जो समर ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में, वो उसमें जूरी मेंबर बनेगी। ओके, HDFC बैंक हैज़ ओपन ब्रांच। HDFC ने एक ब्रांच खोला है कावरती आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप में है, ये करने वाला फर्स्ट प्राइवेट बैंक बन गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, PM मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फीचर ऑन द कवर ऑफ न्यूज वीक आफ्टर इंदिरा गांधी। इनका न्यूज वीक में इनको फीचर किया गया है, ये इंदिरा गांधी के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो बने हैं। इसरो नोडल सेंटर ने स्टार्ट प्रोग्राम, जो STRT स्टार्ट प्रोग्राम ऑफर किया है ऑनलाइन, स्पेस साइंटिस्ट ट्रेनिंग टू एस्पायरिंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो NFL है, वॉच अवार्डेड नवरत्ना स्टेटस, इनको नवरत्ना स्टेटस मिल गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। इन अ हिस्टोरिक इवेंट, मेंबर्स ऑफ द सोमपेन ट्राइब पता होगा कहाँ का है, अंडमान एंड निकोबार का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमपेन ट्राइब कहाँ के हैं, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था। द अडानी ग्रुप्स विज हिंजम पोर्ट इन केरला हैज रिसीव्ड द शिपिंग मिनिस्ट्रीज अप्रूवल फॉर ऑपरेटिंग एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है इसलिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, IRED, IREDA जिसको बोलते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस नवरत्ना स्टेटस। तो NFL को भी मिला, जो NFL को मिला था वो स्टेज वन पे था, और इनको जो मिला है, इनको भी नवरत्ना स्टेटस मिल गया है IREDA को। CSIR इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक एट द CSIR हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पे लॉन्च किया गया या इंस्टॉल्ड किया गया, न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है CSIR का। SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया न्यू वर्जन ऑफ SEBI कंप्लेंट रिट्रेस सिस्टम स्कोर्स 2.0। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, और इसका एक्ट आपको पता होगा 1992 का है, 1992 का इसका एक्ट है, और 1988 में इसका स्थापना हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और इसी की तरह एक और है SIDBI, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1990 में, SIDBI जिसको बोलते हैं, और जो उसका हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। काफ़ी बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी लॉन्च्ड बाई प्रेजिडेंट दोरोथी मुर्रे, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, द्रौपदी मुर्मू इन IIT बॉम्बे। ओके, फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी इन्होंने लॉन्च किया है IIT बॉम्बे में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने।
ट्रॉपिकल साइक्लोन गैमिन ने हिट किया है किसको? मेडागास्कर को। इसराइल सक्सेसफुल इंटरसेप्शन ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल लॉन्च बाय ईरान हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड ऑपरेशन आयरन शील्ड। ठीक है, इन्होंने जो आपका ड्रोन है लॉन्च किया है किसने? ईरान ने, जिसको नेम किया आयरन शील्ड। इराक्स पार्लियामेंट हैज पास्ड अ लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप विद अ मैक्सिमम 15 ईयर प्रिजन सेंटेंस। जो सेम सेक्स अगर रिलेशनशिप है किसी का इराक में, ठीक है, तो उसको 15 ईयर्स के लिए प्रिजन सेंटेंस होगा, मतलब कि ये एक क्राइम माना गया है वहाँ पे इराक में। जो लुइस मोंटेनेग्रो है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने कहाँ के? पुर्तगाल के। ये न्यू लुइस मोंटेनेग्रो वर्ल्ड फर्स्ट एवर ओम शेप्ड, ये होम शेप्ड नहीं है, ओम शेप्ड है इस तरीके का, ठीक है, ओम शेप्ड, इस तरीके का ओम शेप्ड आकार का यहाँ पे टेंपल बनाया गया है, कहाँ पे? पाली, राजस्थान में। ठीक है, संजी इज अ सेरेमोनियल क्राफ्ट ओरिजिनेटेड इन मथुरा हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग। संजी है एक सेरेमोनियल क्राफ्ट जिसको जीआई टैग मिला है, और जो फ्लूट है पीलीभीत उत्तर प्रदेश का, इसको भी जीआई टैग ग्रांटेड हुआ है। बुंदेलखंड रीजन रिसीव्स द फर्स्ट जीआई टैग फॉर कठिया गेहूँ, जो कठिया गेहूँ है उसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। पंजाब हैज लॉन्च्ड द बूथ राबता, ठीक है, राबता वेबसाइट अहेड ऑफ द अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शन एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द वोटर्स एंड इलेक्शन अथॉरिटीज। जो वोटर है और इलेक्शन अथॉरिटीज़ को बीच में गैप कम करने के लिए राबता बूथ इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है? द फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, एक फर्स्ट स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, और ये कंप्लीट कहाँ पे हुआ है? तुलसी साहबरी वाटरफॉल इन चित्रकूट। ठीक है, द हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज द फर्स्ट बीसीसीआई एक्रेडिटेड वेन्यू बन गया है विद अ कटिंग एज हाइब्रिड पिच। ठीक है, जहाँ पे भी हाइब्रिड पिच का नाम आ गया समझो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को टिक कर देना। जो फेमस गोंड पेंटिंग है मध्य प्रदेश का, उसे भी जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग जो है थ्रू 1999 एक्ट, 1999 के एक्ट से जीआई टैग संबंधित है। तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। बात करते हैं घिफांग घाट लेक, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये कहाँ पे लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, घिफांग घाट कहाँ पे है, तो जब ये पेपर में आएगा तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट ये न्यूज कहाँ से है? करंट से है। ठीक है, तो करंट इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि करंट से ही रिलेट करके वो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पूछ जाते हैं। जैसे कि घिफांग घाट लेक, ये तो बहुत मुश्किल है अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा आंसर करना। गौतम अडानी, गौतम अडानी लेड ग्रुप इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर रहा है अडानी ग्रुप। इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज़ अगर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो इनाग्रेट कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में। प्रोफेसर मीना चंदा, प्रिंसिपल ऑफ कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिसीव्ड द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। तो पूछा जाएगा सीधा, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किसको मिला है? तो सीधा आपको क्या बताना है? मीना चंदा को। इन दो चीज़ों पे बस ध्यान रखना, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मीना चंदा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन वॉज ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और ये फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? पीएम साहब को, अपने पीएम मोदी को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो पावा लोरी सुब्बा राव है, ये इनको कन्फर्ड किया गया आर्यभट्ट अवार्ड से। ये कौन देता है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावालुरी सुब्बाराव। ठीक है, पावालुरी सुब्बाराव, ओके भाई, ध्यान रखना इसका।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रतन टाटा को अवार्ड मिला गया है प्रेस्टीजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर 2021। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जो अवार्ड है 2021 के लिए दिया गया है, बट 2024 में दिया गया है। तो जब ये आएगा तो थोड़ा लगेगा कि 2021 का करंट है, बट ये है 2024 का। ओके, मोहम्मद सलीम वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024। जो मोहम्मद सलीम है ये फिलिस्तीन का एक फ़ोटो है जहाँ पे उनका जो मुंह है वो कवर हो रखा था, तो किसी ने फ़ोटो खींचा, इसको क्या दिया गया, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024। दीपिका सोरेंग रिसीव्ड द प्रेस्टीजियस हॉकी इंडिया असुंता लाकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड 2023। तो सिंपल सा है, जो आपका दीपिका सोरेंग है इनको क्या मिला है, असुंता लाकरा अवार्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रैपिड चेस टूर्नामेंट वॉज होस्टेड बाई IIT मद्रास। ठीक है, जो रैपिड चेस टूर्नामेंट होगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा, वो होस्ट करेगा IIT मद्रास। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिडे मतलब कि वही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इस्टेब्लिश्ड कहाँ पे हुआ था, 1924 में। जो हेडक्वार्टर है इसका लोसाने स्विट्जरलैंड, और करंट वर्ल्ड चैम्पियन जो है डिंग लोरिन, इसको किसने हराया था 18 ईयर्स ओल्ड, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देना, जिन्होंने एक बार नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को भी हरा रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हार्दिक सिंह और जो सलीमा टेटे है, इन्होंने क्या जीता है, इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स फॉर द मैन एंड वुमेन। मैन के लिए मिला है, एक मिनट, मेन के लिए मिला है हार्दिक सिंह को, और फीमेल के लिए मिला है सलीमा टेटे को। कौन सा अवार्ड, इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड। ओके, नोवाक जोकोविच ब्रॉक रोजर फेडरर रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट नंबर वन इन ATP रैंकिंग। महाराष्ट्र 156th नेशनल खो खो चैंपियनशिप, एक खो खो नहीं है, खो खो है, खो खो चैम्पियनशिप। ठीक है, विनिंग इन और मैंस कैटेगरी में भी जीता और वुमेंस कैटेगरी में भी। विद्या रानी देवी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 इन फुकेट थाईलैंड में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विद्या रानी देवी है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वो वेट लिफ्टिंग से है। ऐसी वेट लिफ्टिंग से कौन है, जो सिल्वर मेडल जीती थी ओलंपिक में, मणिपुर से हैं आप, उसको कमेंट सेक्शन में नाम लिखें उनका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पंकज आडवाणी फिर से जीते हैं CCI बिलियर्ड्स क्लासिक विद मैसिव ब्रेक्स क्लिंचिंग 4th कंसेक्यूटिव टाइटल इन मुंबई। ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो पंकज आडवाणी है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वो है बिलियर्ड से। इनॉग्रल फेज ऑफ द नेशनल वुमेंस हॉकी लीग, जो नेशनल वुमेंस हॉकी लीग है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, रांची झारखंड से 30 से 9 मई के बीच में इसको खेला गया। ये नेशनल वुमेंस हॉकी किस तरीके का है, जैसे क्रिकेट में IPL है ना, वैसे ही इसको वुमेंस के लिए खोला गया है। ओके भाई, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सुमित नागल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द मोंटे कार्लो मास्टर सिंगल मेन। मतलब सीधा सीधा देखो क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित नागल है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वो कौन से खेल से है, टेनिस से है, क्योंकि अकेले एक ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के जो इंटर किए हैं फर्स्ट टाइम मोंटे कार्लो मास्टर सिंगल्स में, और उन्होंने ड्रॉ किया 42 ईयर्स में, मतलब 42 सालों में, बीटिंग फोंडो डियाज अकोस्टा एंड मैटियो अर्नाल्डी। ये दो प्लेयर को हराया है इसको और मैटियो अर्नाल्डी को। इसरो विद आइकॉनिक 2024 जॉन एल जेकर स्विगेट जूनियर अवार्ड मिला है,
by Space Exploration US based foundation. 41st बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हेल्ड होगा? निंगबो चाइना में. ठीक है, निंगबो चाइना में. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. रोहित शर्मा, जिसको हिटमैन के नाम से जाना जाता है, आपको पता है, फर्स्ट इंडियन टू बैटर टू हिट 500 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट. और ये कारनामा कब किया था इन्होंने? जब फर्स्ट मैच था CSK और MI का IPL में, ये 2024 में, जहाँ पर उन्होंने सेंचुरी भी मारा था, बट फॉर्चुनेट कि MI हार गई थी वो टीम. दीपेंद्र सिंह एरे कहाँ के? ये नेपाल के खिलाड़ी हैं. ये थर्ड प्लेयर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के मारने वाले, और ये कारनामा किया इन्होंने कतर टीम के खिलाफ. साथ ही साथ ये बंदे क्या बन गए हैं? फास्टेस्ट 50 मारने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में. ठीक है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? युवराज सिंह का. डी गुकेस एट द जस्ट 17 हैज मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द फीडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024 टोरंटो में जो हुआ. डी गुकेस के बारे में पूछा जा सकता है किससे संबंधित है. उसेन बोल्ट को एम्बेसडर बनाया गया था ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए. साथ ही साथ दो बंदों को और बनाया गया था, जिसमें एक अपने युवराज सिंह थे और दूसरा थे शाहिद अफरीदी. द इनॉग्रल गल्फ यूथ गेम्स हैड टेकन प्लेस इन द UAE विद 6 गल्फ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग. तो सीधा सीधा आएगा गल्फ यूथ गेम्स जो है वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ आपका UAE में. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई. जो युजवेंद्र चहल है, फर्स्ट बॉलर बन गए हैं 200 विकेट्स लेने वाले IPL में. टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच हैज बीन क्राउंड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर अ रिक्वायर्ड इक्वलिंग 5th टाइम. 5वीं बार इनको कंटिन्यू मिला है. संजय नायर अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम. आपको पता होगा इसकी क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया गया है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुआ और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. प्रेसिडेंट कौन बना है अभी? संजय नायर, ध्यान रखना भाई. ठीक है, बात करते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. इनको IMF का क्या बनाया गया? सेकंड 5-year टर्म के लिए अगेन इनको हेड बनाया गया है, और ये बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है. तो मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF की हेड है. जो IMF है इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में. मेंबर्स है 190 कंट्रीज, और इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में. बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ. प्रोफेसर नाइमा खातून हैज बीन अपॉइंटेड एज द 5-year वुमन वाइस चांसलर ऑफ अलीस्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर अ 5 years. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे किसी वुमन को बनाया गया है वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. आपको पता होगा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ चेंज कर दिया गया था. न्यू DG ऑफ NSG नलिन प्रभात बने हैं. जो गगन शक्ति एक्सरसाइज हुआ वो पोखरण में हुआ 2024 में, और ये 10 दिनों के लिए मेगा एक्सरसाइज था, और किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया? इंडियन एयरफोर्स. इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड Agni-5 मिसाइल विद द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल अंडर इट्स मिशन दिव्यास्त्र. DRDO के द्वारा ये किया गया था फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट Agni-5. ठीक है, ये जो है ये MIRV का फुल फॉर्म है. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV दिव्यास्त्र मिशन के अकॉर्डिंग. चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अब द इंडियन आर्मी हैज बूस्टेड इट्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज विद आकाशतीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम. पूछ सकते हैं आकाशतीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो किसने लॉन्च किया या किसने स्टार्ट किया? तो इंडियन आर्मी ने. ठीक है भाई,
डिफेंस मिनिस्ट्री हेल्ड फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन इन न्यू दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो आने वाले में DVCJEE हो, रेलवे JEE हो और भी कोई से भी एग्ज़ाम। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री का, क्या नाम था उसका, परिवर्तन चिंतन, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर कौन है इनके, राकेश पॉल। इनॉग्रेटेड द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर एट ICGS मंडपम नियर रामेश्वर तमिलनाडु। ठीक है, एक्वेटिक सेंटर खोला गया फर्स्ट, ध्यान रखना। द फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीक, जो डस्ट लीक है ये कमेंस्ड किया गया कहाँ पर, तरमेंज डिस्ट्रिक्ट इन उज्बेकिस्तान। ध्यान रखा इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होता है ये डस्ट लीक एक्सरसाइज। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है, ताशकंद, ये भी पूछा जा सकता है। DRDO ने डेवलप किया है लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया। ठीक है, द बुक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बुक की बात करते हैं, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है ये रिटर्न किसने किया, सैम पिट्रोडा ने। ओके, अब ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, कौन सा, वासुकी इंडिकस जो फॉसिल मिला है, लार्जेस्ट एवर स्नेक दैट लिव्ड ऑन अर्थ। ठीक है, अब ये बन गया है तो आपका जो अप्रैल मंथ का है मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे सारे पॉइंट्स जो थे, इसमें से एक भी छोड़ना नहीं है क्योंकि वैसे ही मैंने फ़िल्टर करके जितना भी हो सकता है वो मैंने इसको बनाया है, जितने जितने फिल्टर्ड निकाल सकता हूँ। तो इस वीडियो को कम से कम, ये मेरा सजेशन है क्योंकि एक बार में हम जब देखते हैं वो तो फर्स्ट टाइम तो रहता है, लेकिन आपने जस्ट 2-3 दिन में फिर सेकंड टाइम इसको देख लेना फटाफट फास्ट स्पीड में, तो आपके दिमाग में रह जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप आसानी से एक कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर अप्रैल, ये तो अप्रैल का हो गया, और आपको मई का भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बहुत ही फास्ट तरीके से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हो मैंने करवाया है, पूरा का पूरा फिल्टर कंटेंट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।